हेलो एवरीवन, एक्सेल के अंदर अटेंडेंस शीट हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर ये शीट हमने क्रिएट की है। आज हम जानेंगे कि इसको हमने कैसे बनाया है, कैसे ये शीट वर्क करती है और आप इसको कैसे अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम आ जाएगा, कंपनी का एड्रेस हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है मंथ, किस मंथ के लिए हमने इस अटेंडेंस शीट को क्रिएट किया है उस मंथ को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मंथ के लिए हमने ड्रॉप डाउन क्रिएट किया है, जिस भी मंथ के लिए हम इस शीट को क्रिएट करेंगे वो हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है डेज़, तो इस मंथ के अंदर टोटल नंबर ऑफ डेज़ कितने हैं वो हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब क्योंकि ये शीट हमारी फुली ऑटोमेटिक है, तो इस महीने के अंदर कितने दिन हैं ये निकालने के लिए हमने फॉर्मूला का यूज़ किया है। फॉर्मूला है हमारा ईओ मंथ, यानी एंड ऑफ मंथ का फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। ब्रैकेट स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट हो जाएगी हमारी ये, कॉमा ज़ीरो और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो जो भी यहाँ पर मंथ होगा उसके हिसाब से नंबर ऑफ डेज हमारे पास निकल कर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने अपने एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स बताई हैं, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, जो भी आपकी एम्प्लॉय की डिटेल होंगी वो आप यहाँ पर बता देंगे। एम्प्लॉय की डिटेल्स बताने के बाद यहाँ पर हमारे डेट्स हैं, 1 से लेके 31 तक यहाँ पर डेट्स आ रही हैं। यहाँ पर अभी अगस्त सेलेक्ट है, तो यानी ये शीट हमारी अगस्त के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर मंथ को चेंज कर देते हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर हम फरवरी को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ही हमने फरवरी को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ डेज़ यहाँ पर 28 हो गए हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी अपने आप जो डेट हैं वो 28 हो गई हैं। एक बार और यहाँ पर मंथ को हम चेंज करते हैं, यहाँ पर हम सितंबर ले लेते हैं। दोबारा जैसे हमने यहाँ पर सितंबर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही यहाँ पर और यहाँ पर 30 हो गया है। तो चलिए बात करते हैं कि ये कैसे हो रहा है। यहाँ पर जो हमने डेट निकाली है और इस डेट पर क्या दिन था, मंडे था, ट्यूसडे था या संडे था, ये चीज़ निकालने के लिए हमने फॉर्मूला का यूज़ किया है। फॉर्मूला किया है ये हम आगे बात करेंगे, अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम अपने एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस बताएंगे। यहाँ पर मैंने प्रेजेंट शो करने के लिए पी यूज़ किया है, अब्सेंट के लिए ए यूज़ किया है, बीच में अगर संडे है या कोई फेस्टिवल है तो उस दिन हॉलीडे होगा। ऐसे हॉलीडेज़ हमारे पेड लीव के अंदर काउंट होते हैं, इनको शो करने के लिए यहाँ पर मैंने एच का यूज़ किया है। यहाँ पर आप चाहे तो इनको टाइप कर सकते हैं या ड्रॉप डाउन से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पी, ए और एच के अलावा आप कुछ भी और यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पर कुछ भी और एंटर करते हैं तो यहाँ पर ये हमको एरर शो कर देगा। अब वापस से यहीं पर आते हैं, यहाँ पर जानते हैं कि हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया है। इसको समझने के लिए हमको यहाँ पर आना पड़ेगा। अभी यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है तो आगे हमने क्या किया है वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर शो हो रहा है अगस्त 22, इसी को अगर हम फॉर्मूला बार के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर कंप्लीट डेट आ रही है 1/8/2022, ये हमारी एक कंप्लीट डेट है 1/8/2022। इसकी हमने फॉर्मेटिंग चेंज कर रखी है, तो इस करके यहाँ पर ये हमको अगस्त 22 दिखा रहा है। फॉर्मेटिंग हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर आकर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है फॉर्मेट सेल्स, इसको हम ओपन करेंगे, कस्टम के अंदर आएंगे, यहाँ से हम अपने फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जो नंबर ऑफ डेज हैं
ये भी हमारी एक प्रॉपर डेट है, इसकी फॉर्मेटिंग मैं चेंज करता हूँ। यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग हम चेंज करके देखते हैं। फॉर्मेटिंग हम ले लेते हैं शॉर्ट डेट, यहाँ पर हम देखेंगे तो 31/8/2022 आ रहा है। यहाँ पर भी हमने कस्टम फॉर्मेट सेलेक्ट कर रखा है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार आप पीछे जाकर इसको दोबारा से समझिए। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर है 1, ये डेट है, इसका रेफरेंस हमने यहाँ से दिया है। जब भी यहाँ पर मंथ चेंज होगा तो अपने आप यहाँ पर डेट चेंज हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमने इफ फॉर्मूला का यूज़ किया है। अगर इस सेल के अंदर डेट हमारी इस सेल से छोटी है तो इस डेट के अंदर 1 ऐड हो जाए, नहीं तो ये हमको ब्लैंक सेल शो कर दे। इसको हम आगे ड्रैग कर देंगे तो आगे की डेट्स हमारी निकल कर आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमने टेक्स्ट फॉर्मूला का यूज़ किया है। जो भी हमारी यहाँ पर डेट होगी उसके हिसाब से ये हमको बता देगा कि इस डेट पर कौन सा दिन था। फॉर्मूला लगाएंगे टेक्स्ट ब्रैकेट, डेट हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कोट्स के अंदर हम लिखेंगे DDD, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसको भी हम आगे ड्रैग कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने फाइनली अटेंडेंस का सम कर दिया है। प्रेजेंट का टोटल यहाँ पर आ रहा है, एब्सेंट का यहाँ पर है और हॉलीडे का यहाँ पर है। इसके बाद हमको कन्फ्यूज़न ना हो तो वापस से यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय आईडी को बता दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम भी डाल सकते हैं। इसके बाद लास्ट में हमने बताया है टोटल पेड डेज, टोटल प्रेजेंट और हॉलीडे को ऐड कर दिया है और एब्सेंट को माइनस कर दिया है। तो ऐसे यहाँ पर हमारे पास टोटल पेड डेज निकल कर आ गए हैं। तो ये हमारी अटेंडेंस शीट क्रिएट हो चुकी है। बाकी यहाँ पर मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज़ किया है। अगर यहाँ पर हम एब्सेंट लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर एच लिखेंगे तो वो येलो हो जाएगा। आप यहां पर अपने हिसाब से इसकी कस्टम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद अगर आप पेरोल बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। आपका कोई सवाल है या आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेल कर सकते हैं या इंस्टा पे DM कर सकते हैं।